મણિપુરમાં બે મહિલાઓ પર થયેલા અત્યાચારનો મામલો છે તે તૂલ પકડી રહ્યો છે। હાલ સંસદમાં ચોમાસુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે અને આ સત્ર શરૂ થયું ત્યારથી જ આ મુદ્દાને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। સોમવારે પણ આ મુદ્દાને લઈને દિવસ છે તે હોબાળાની ભેટ ચડી ગયો અને સત્તા પક્ષ અને વિપક્ષ બંને વચ્ચે ખૂબ જ બબાલ થઈ। શું છે સમગ્ર વિગત તે જાણીએ આ રિપોર્ટમાં। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराए, समाधान कराए, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। नरेंद्र मोदी समाप्त हो, नरेंद्र मोदी सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, नरेंद्र मोदी मणिपुर अढ़ी महीना थी हिंसानी आग में सड़गी रह्यु छे। आ मुद्दे चोमासु सत्रना त्रीजा दिवसे विपक्षे संसद में हंगामो मचाव्यो। सदन थी लईने सड़क सुधी विपक्ष द्वारा मणिपुर मुद्दे सरकार ने घेरवानी कोशिश कराई। सोमवारे संसदना बन्ने गृहमां कामकाज ना थई शक्यु। आम आदमी पार्टीना सांसद संजय सिंह ने मणिपुर मुद्दे अध्यक्ष जगदीप धनखर साथे दलील करवा बदल राज्यसभामां चोमासु सत्रना बाकीना समय माटे सस्पेंड करवामां आव्या। राज्यसभामां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संजय सिंह ने सस्पेंड करवानो प्रस्ताव लाव्या। અને આ પ્રસ્તાવ ધ્વનિમત દ્વારા પસાર કરવામાં આવ્યો। ત્યારબાદ અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખરે સંજયસિંહ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરી હતી। સંસદના બંને ગૃહમાં વિપક્ષી સાંસદોએ મણિપુર મુદ્દે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા। તેમણે માંગ ઉઠાવી કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંસદના બંને ગૃહમાં મણિપુર મુદ્દે નિવેદન આપવું જોઈએ। સાથે જ રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે પણ કહ્યું કે અમે સંસદમાં ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છીએ। રાજ્યસભામાં મણિપુર મુદ્દા પર ચર્ચાને લઈને અધ્યક્ષ જગદીપ ધનખર અને ટીએમસી સાંસદ ડેરેક ઓબ્રાયન વચ્ચે પણ દલીલો થઈ હતી। ધનખરે કહ્યું કે તમે અધ્યક્ષને પડકારી રહ્યા છો। ત્યારબાદ ગૃહમાં હંગામો થયો અને ધનખરે રાજ્યસભા સ્થગિત કરી દીધી। આ સમગ્ર મામલે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે લોકસભામાં નિવેદન આપ્યું હતું અને વિપક્ષને ગૃહમાં ચર્ચા કરવાની અપીલ કરી હતી। મેરા વિપક્ષ કે સભી सम्माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष क्यों चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है, इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। क्यों वो हमें जिस नियम के तहत, और वो नियम इसलिए बना है कि जब ऐसा हादसा हो, बड़ी गंभीर बात हो, तो इस नियम के तहत 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। अब बाहर के दुनिया के देश मणिपुर की चिंता करते हैं और वहां की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है, और हमारी देश की पार्लियामेंट में मोदी जी बयान नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाती है कि अगर आप एक्ट नहीं करोगे तो हम करेंगे, तब जाके काफी दिनों के बाद
संसद के बाहर बयान देते हैं। क्यों संसद में बयान नहीं देते हो आप? पार्लियामेंट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है कि जब संसद शुरू है तो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, बाहर बयान नहीं पार्लियामेंट के अंदर देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? मणिपुर में बे महिलाओं नो रोड पर निर्वस्त्र करी रस्ता पर फेरवामां आवी हती, तेनो वीडियो छे ते वायरल थयो हतो, जेना पर हंगामो थई रह्यो छे। 4 मेनी आ घटनानो वीडियो जुलाईमां वायरल थयो अने त्यारबाद पोलीसे 4 लोकोनी धरपकड़ करी हती। विपक्ष आ मुद्दानी चर्चानी तो मांग करी रह्यो छे, परंतु ज्यारथी चोमासु सत्र शुरू थयुं छे त्यारथी विपक्षनो होबाळो सतत चाली रह्यो छे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुजरात तक।